हमरी भागो वाली। छप्पू, तुमने ये ठीक नहीं किया। एक लड़की के साथ, उसके दिल के साथ ये खिलवाड़ करके ठीक नहीं किया। क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? हाँ, महादेवी तुमसे प्यार करती थी और तुमने उसे धोखा दिया। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी तुम्हें सजा, जरूर। कुछ नहीं होगा हमको, बहुत ठेस पहुंचाई है आपने और महादेवी ने हमारे दिन को। बर्बाद कर दिया है हमको, बर्बाद। अरे आपको क्या पता कि अपनों के खोने का दर्द क्या होता है, क्या एहसास होता है जब अपने खुद से दूर चले जाते हैं। हमारे दोस्त छीन लिए आपने, अनाथ हो गए हम, खो दिया हमने कट्टू भैया को आपकी और महादेवी की वजह से। अरे अपनों से दूर होने का दर्द तो तब आपको पता चलेगा जब कट्टू भैया आपसे दूर हो जाएंगे, छोड़ के चले जाएंगे आपको। अपने माया जाल में गुड्डू भैया को तो आपने फंसा लिया, लेकिन हमको नहीं फंसा पाई। और जब हम आपके जाल में नहीं फंसे तो बहला फुसला के कुक्कन को फंसा लिया, और कुक्कन की शादी महादेवी से करा थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कुक्कन से शादी करने के बाद महादेवी खुश रहेगी? पर बात कर देंगे हम महादेवी और कुक्कन दोनों की जिंदगी को, चैन से नहीं जीने देंगे हम उन्हें। हम भी देखते हैं कि कुक्कन और महादेवी की जिंदगी को आप कैसे बचाती हैं। गुंजन, गुंजन, क्या हुआ? हमको चब्बू, चब्बू मिला था। चब्बू मिला? क्या कह रहा था कमीना? वो कह रहा था कि हमको बहुत डर लग रहा है। देखिए कुकन को उसने कुछ कर दिया तो? तुम जितना मत करो कुछ नहीं होगा। साला इतनी मार खाने के बाद भी अक्कल नहीं है उसको। जान से मारेंगे तभी समझ में आएगा उसको। हमें ना, हम सब संभाल लेंगे और महादेवी की तरफ आज भी आने नहीं देंगे। और कुकन भी तो है, तुम घबराओ नहीं। चलो ये तीनों चुड़ैल पता नहीं का राग पट्टी पढ़ाई हुई है हमारी बिटिया को। एड़ी चोटी का जोर लगाई है, रुन झुन के वापस ला। अरे रुन झुन फोन काहे नहीं उठाओ थे? अरे महादेवी, ए बिटिया, देवी देवी बिटिया, तबीयत खराब लगत है? हाय हाय, तुमका तो तेज बुखार है। हे भगवान, ये तीनों औरतन के कोनो फिकर नहीं है कि ऐसन हालत में देवी का देखभाल करे। इनका तो बस एक ही चिंता है कि सोने की चिड़ैया हाथ से निकल जाए। लागत है आज तीनों कसम खाए के गई हैं कि बिना भागो वाली के लिए लौटी है नहीं।
जाओ बैठो आराम से। हाँ घबराओ नहीं बिटिया, हम है ना सब ठीक हो जाइए, सब ठीक हो जाइए, तुम आराम से बैठो। हाँ कहाँ चली गई ये तीनों का तीनों, बिटिया को ये हाल मत छोड़ के। बिटिया हम तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाते हैं, तुम चुपचाप बैठे रहो यहाँ, हम आते हैं। बुआ को तो नरक में जगह न मिली, इंसान का रूप में भेड़िया है भरिया, कोड़ होके गली गली भीख मंगिए, चिल्ला पड़िए के। कसन वाली, अरे ये कहाँ है? अबे ये है हथौड़ा, अब देखो वो रहा ताला, अब देखो कई बार में ना हम कैसे ताला का काम तमाम करते थे। अरे कसन वाली, अरे जल्दी करो, शुक्ला आ जाएगा ना तो सब काम धरा का धरा रह जाएगा। बिल्लू दीदी तुम तो कह रहे थे कि गुडवा ना आएंगे। अरे भूत के आने का कोई टाइम होता है का? हाँ हमारी भांजी है, बिटिया है, बिटिया और उसे मिले खातिर आए हैं। चल 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 सामान का, हमें हमने एकदम सगी बिटिया है। हाँ हमें आ जा रही बिटिया से मिले खातिर। हाय अरे बुझा रानी तो बहुत सुंदर घर ले ली, तो चलो देखो तो मिट्टा जीजी कितना बड़ा घर है। हाय हाय भसन वाली तुम तो एकदम पुरानी चोर निकली। बे मिट्टा जीजी अभी तुम हमका चोर काहे बना बतो, अभी तुम का ना तो हमका तारीफ करे का चाहिए। हमरी बात का गलत मतलब ना ही निकालो, अरे हम लोग आए काहे हैं, चल फेंक के शिकार करे, अब देर ना ही करो, चलो चल के बोझा रानी को धर दो मुझे। ये काम मिठो जीजी कैसे तो पूछ लोगी? हाँ आपकी बोझा रानी ने इस दरवाजे पे भी इतना बड़ा ताला लगा रखा है।
आया हुआ, थोड़ा बहुत मजाक तो कर ही सकते तुम्हारे साथ हम। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। आय हाय, आय हाय नहीं, हाय हाय। चलो बहनो, चोर होती हो, चाहे नाग हो या नागिन, जहर तो बराबर होता है ना। साड़ी में पकड़ो, पी लो, आराम मिलेगा। छी, कितना गंदा है ये। अगर इसको हम पियेंगे तो हमारी उल्टी कभी रुकेगी नहीं। देखो, ये पीने से आराम मिली है। हाँ, अब पियोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कैसा है। हमने पी लिया ना तो हमें सब पता चल गया। और आप ज्यादा डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। अरे बिगड़ गया, हमें मत सिखा दो बिटिया, ये खाओ ये करे। अरे कैसे समझाएं, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम का करत हो, ए बिटिया, ये का करत हो? अरे नहीं बिटिया, नहीं, ये सब नहीं खाया जाता है गर्भ के टाइम, नुकसान कर रहा था बेटिया। आप हमें मत सिखाइए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हमें ये खाना है, हमारा मन कर रहा है। अरे मन कर रहा है पर ना ही खाए चाहिए बेटा, हम कहे ना ना ही खाए चाहिए। बिटिया गर्भ में ये जहर है, जहर ना ही खाए का चाहिए। हमारी बात मानो बिटिया, ऐसा ना करो। नहीं खाना चाहिए है ना, लेकिन हमें ये अच्छा लगता है और हम इसे खाएंगे। महादेवी, अम्मा की बात समझ में नहीं आ रही है। जब कह रही हैं कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है तो जानबूझ के क्यों खा रही हो? और एक बात समझ लो, अब तुम अकेली नहीं हो, एक बच्चा भी तुम्हारे साथ पल रहा है। अरे अपना नहीं तो कम से कम उस अपने बच्चे का तो ख्याल करो। नहीं करेंगे, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले। और हाँ, ये शरीर हमारा है और ये बच्चा भी हमारा है, तो तुम्हें बीचे बोलने की जरूरत नहीं है। हम देख लेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। समझ में नहीं आता बस हमारे पीछे क्यों पड़े हुए। अम्मा, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं, पत्थर में सर मारने का कोई फायदा नहीं। चलिए अम्मा, चलिए आप, चलिए। घर पे नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ।
हमारे नुआ में तमाशा घर है। ताला कैसे टूटा? हेलो रुमझुन बिटिया, तुम आ गई? कहाँ थी? देखो ये तमाशा, तुम्हारे घर में तीन डकैतन घुस गई थी। हम और हमारी लीला से ना मार मार के कचुम्बर निकाल दी। बोलो, हम कुछ गलत कहते? अरे हम कब्बो गलत नहीं कहते। आपकी बहुत कृपा आंटी, पता नहीं क्या हो जाता, आपने बचा लिया, वरना अब ये बटन लगाना ना बंद करो, नहीं तो यही फिसल के गिर जाऊंगी और धरती हिल जाएगी। अब तुम संभालो अपना घर और अपनी रास लीला, ये लीला चली अपने घर। बोला हम कुछ गलत कही? अरे हम कब्बो गलत नहीं कहते। चलो घर तो बच गया कम से कम। चलो सला सब सामान बेकर। अरे संभाल के चलो। क्या हुआ? अरे कहाँ चली जाए? हाँ वो किसी ने बल्ब भी तोड़ दिया है। अरे लालटेन भी फूटा हुआ है, देखो कांच गिरा हुआ यहाँ पर भी। चलो हम साफ कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप रहने दीजिए ना, हम साफ करते हैं। अरे कमाल करती हो, रुको रुको रुको, हटो, यहीं खड़ी रहो, हम साफ कर देंगे। कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम्हारे हाथ में लग जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर क्या फायदा है? हमको भुगतना पड़ेगा, रात को तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए हम साफ करते हैं। अरे देखिए ये हमारा काम है, हमें करने दीजिए। अरे कौन सी बोधी मलिका, तुम्हारा काम है, हम करेंगे, हमको करने दो। चलो आप भी ना बच्चों जैसी जिद करते हैं। हम तुम्हें बच्चे लगते हैं, चलो हमको करने दो। अच्छा देखिए कांच है, चुप जाएगा आपको। अरे तुम छोड़ो, समझते क्या नहीं हो? अब क्या है ना, हम पहले भी हमने दो तीन बार वो याद नहीं तुमको जूस का ग्लास फेंका था ताकि तुमको चुप जाए, अब हमको साफ करने दो, फिर हमको अच्छा लगेगा, हमको करने दो, हम करेंगे अच्छे से। अरे तुम बिना बस गाने परेशान होती रहती। अरे रुको एक टुकड़ा ले गया। क्या हुआ? क्या हुआ, थोड़ा बहुत मजाक तो कर ही सकते तुम्हारे साथ हम? हमको बहुत परेशान करते हैं। अच्छा चलो हम साफ सुफ कर देते हैं। खुश नसीब है हम, गुड्डू जी हमें कितना मानते हैं। अब यकीन हो रहा है कि मामी जी ने जो कहा था वो सही नहीं था। अगर गुड्डू जी को भूले से भी ये पता चल जाए कि मामी के कहने पर हमने इन पे शक किया तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। और हमें ये बात भी सही नहीं लगती कि हम भागों वाले हैं, और ये राज गुड्डू जी को पता है, वो हमसे कोई बात कहाँ छुपाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब साफ हो गया। क्या हो गया, सोच रही हो? ओ अंदर रसोई में बल्ब पड़ा होगा, हम बल्ब लगा देते हैं, ले हो जाओ। बात कहें, हमको लगता है अच्छा ही हुआ कि माधव की शादी चप्पू से नहीं हुई। साला कमीना भगवाड़ा, कुकन से कुकन एक समझदार अच्छा इंसान है, क्यों? बस ये जान लो ये सब तुम्हारे भाग से हो गया, सब अच्छा हो गया।
डमरी।